कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए राणा एजुकेशन को और करे अपने NCHMCT JEE UGC NET का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राणा एजुकेशन। गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NSTAT 2023 थर्ड बैच की लाइव क्लासेस के बारे में, जो कि बहुत जल्दी हम शुरू करने वाले हैं। गाइज हमारा जो फर्स्ट बैच था वो जैन फेब में हुआ था इसी ईयर। हमारा जो सेकंड बैच हमने कंप्लीट किया है वो मई एंड जून में किया था। एंड एज पर सोर्सेज गाइज जो अब एग्जाम होने वाला है वो अक्टूबर या नवंबर में गाइज होने वाला है। तो हम थर्ड बैच बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि फ्यूचर में आने वाले बहुत सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो गाइस बात कर लेते हैं NSTAT एग्जाम के बारे में। आप सबको मालूम होगा किसी भी IHM में टीचर लगने के लिए गाइस आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। नेशनल हॉस्पिटैलिटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इस NSTAT की फुल फॉर्म है, और NCHMCT नोएडा जो है वो इसको कंडक्ट करवाता है। और IHM में टीचर्स लगने के लिए ये जो है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया NCHM ने गाइस रखा हुआ है। हमारे इससे पहले दो बैच हो चुके हैं इस साल के, अगर मैं बात करूं तो, और थर्ड बैच हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं गाइस। जैसे ही नोटिफिकेशन आती है हम गाइस उसका बैच शुरू कर देंगे। लेकिन आपके लिए वीडियो मैं पहले क्यों बना रहा हूं, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं वो नोटिफिकेशन का वेट करते रहते हैं, जो कि मेरे हिसाब से दैट इज नॉट राइट एक्चुअली। बिकॉज आप जब इस बैच में एडमिशन लेते हो तो आपको 6 मंथ्स की वैलिडिटी मिलती है। बहुत सारे बच्चे इसमें ऑलरेडी जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, और इस कोर्स में गाइज बहुत सारा कंटेंट आपके लिए रिकॉर्ड करके डाला हुआ है। उसमें बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, सब कुछ सॉल्व, Paper 1, Paper 2, Paper 3 तीनों आपको यहाँ पे गाइज मिलने वाले हैं। तो आप वेट ना करें कि नोटिफिकेशन आएगी फिर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे, जो कि हर साल बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं। और आपको लास्ट टाइम याद होगा दिसंबर लास्ट में इसकी नोटिफिकेशन आई थी, और Feb 26-25 को इसका एग्जाम हो गया था। NCHM आपको ज्यादा टाइम प्रिपेयर करने के लिए नहीं देगा। तो बेस्ट क्या है कि आप अपने सेल्फ स्टडी को अभी से शुरू कर दीजिए, आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए। ओके, इसमें बहुत सारा कंटेंट है, आप अपने सेल्फ स्टडी को शुरू कर दीजिए। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी हम इसका एक और बैच लाइव क्लासेस निकालेंगे Paper 1, Paper 2, Paper 3, और वहां पे आपके सारे गाइस जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं ये कोर्स कहाँ है, आप इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके गाइस, तो ये रहा वो कोर्स, कंप्लीट कोर्स ऑफ NSTAT एडवांस। ओके, इस कोर्स तक आपने गाइस कैसे पहुंचना है, ये कोर्स मेरी एप्लीकेशन राणा एजुकेशन पे अवेलेबल है। उस ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करना है उसका वीडियो अभी आपको आई बटन में दिख रहा होगा, है ना। वहां पे जाके आप उसको ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसके बाद उस ऐप को आप ओपन करेंगे तो ये कोर्स आपको गाइस मिल जाएगा। मैं आपको मेन मेन बातें बता देता हूं, बाकी मैंने इस कोर्स पे एक बहुत डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उस वीडियो को देख के आप सब कुछ समझ जाएंगे कि इस कोर्स में कितने पेपर्स हैं, कितने मॉक टेस्ट हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस कैसे हैं, लाइव क्लासेस का डेमो कैसा है, प्रीवियस ईयर पेपर कैसे सॉल्व किए गए हैं, सब कुछ उस वीडियो में बहुत ही डिटेल में 20 मिनट का वीडियो है। उसका लिंक अभी आपको आई बटन में दिख रहा होगा, उसको गाइज आप वीडियो को देखें तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। मैं आपको मेन मेन बातें बता देता हूं। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप जस्ट यहां पे जाके बाय नाउ करेंगे, है ना, और आप इसको जैसे ही फीस पे करते हैं तो आप इस कोर्स में ऐड हो जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूं, ये स्टूडेंट्स हैं, है ना, जो इस कोर्स में ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, जो कि आपसे आगे हैं क्योंकि वो बहुत टाइम से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं, है ना। उसके बाद आप जैसे इस कोर्स को गाइस ज्वाइन करते हैं तो आपको 6 मंथ्स की वैलिडिटी मिलती है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, है ना। जैसे आपने आज कोर्स लिया तो आप इस कोर्स में 6 महीने तक बने रहेंगे। जितना भी कंटेंट है, जितने भी वीडियोज आप उनको देख सकते हैं, 1000 बार देख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ओके, अगर इन 6 महीनों में एग्जाम हो जाता है देन इट इज वेल एंड गुड। अगर एग्जाम नहीं होता है, माना कि 7th मंथ में एग्जाम होता है, आपकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंड कर दी जाएगी जब तक कि आपका एग्जाम वाइज हो नहीं जाता, है ना। बाकी ये कंटेंट है, मैंने कहा कि मैंने इस पे एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसको देखें। मैं आपको दिखा देता हूं, है ना, यहां देखे सिलेबस दिया है, पहले भी Paper 1 दिया है, इसमें रिकॉर्डेड वीडियोज हैं और लाइव क्लासेज जो हुई है Batch 1, Batch 2 की, वो भी आपको मिल जाएंगी। Paper 2, Paper 3, मॉक टेस्ट, तीनों पेपर के अलग अलग, है ना। उसके बाद प्रीवियस ईयर्स MSc के क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर्स NSTAT के पेपर आपको मिल जाते हैं, है ना, टिल डेट 2017
2017 को एनएसटैट शुरू हुआ था, उसके बाद से अब तक जितने भी एनएसटैट के पेपर हुए हैं वो सारे आपको यहाँ पे सॉल्व मिलते हैं। ओके, असिस्टेंट लेक्चर एंड लेक्चर एग्जाम, आपको पता होगा एनएसटैट आने से पहले असिस्टेंट लेक्चर के लिए एग्जाम होता था और लेक्चर के लिए तो अभी भी एग्जाम ही होता है, वो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे जो रिसेंटली हुए हैं। मंथ वाइज जीके आपको यहाँ पे मिल जाता है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री न्यूज यहाँ पे मिल जाती है। तो ये कंप्लीट गाइस पैकेज है क्लासेस का। मैं आपको बता दूं क्लासेस हमारी प्रॉपर टाइम टेबल से चलती हैं, है ना, मंडे टू थर्सडे एंड 7 to 8 इवनिंग में। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ, मंडे टू थर्सडे एंड 7 to 8 इवनिंग में। आफ्टर एवरी क्लास आपको मॉक टेस्ट मिलता है ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से गाइज हो सके। गाइज हमारे बैच वन में 3 बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई किया था, उनके साथ मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उस वीडियो का लिंक आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने तैयारी की थी और कैसे उन्होंने हमें ज्वाइन करके इस एग्जाम को क्वालिफाई किया था। ओके गाइज, मॉक टेस्ट का डेमो, रिकॉर्डेड वीडियोज का डेमो, लाइव क्लासेस का डेमो सभी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऑलराइट, एंड बस यही है कि आप इस कोर्स को अभी ज्वाइन करें, क्योंकि जितना जल्दी आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू करेंगे उतने ही ज्यादा आपके चांसेस बन जाते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के। आप इस कोर्स को अभी लो तब भी आपको 6 months की वैलिडिटी मिलेगी, आप इस कोर्स को नोटिफिकेशन NCHM की नोटिफिकेशन आने के बाद लेंगे तब भी आपको 6 months की ही वैलिडिटी मिलेगी। ओके, और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर 6 months में एग्जाम नहीं होता है, माना एग्जाम 7th या 8th या 9th month में होता है, तो आपकी वैलिडिटी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़ा दूंगा। तो वेट मत करो, है ना, लास्ट मोमेंट का वेट मत करो कि नोटिफिकेशन आएगी फिर हम पढ़ाई शुरू करेंगे, नहीं, मेक योर टाइम टेबल। कंटेंट आपके सामने है, कोर्स में बहुत सारा कंटेंट है, कंप्लीट कंटेंट है ना, उसको पढ़ना शुरू करो, अपने डॉट्स को लिखते रहो। जैसे ही हम थर्ड बैच की क्लासेस को शुरू करेंगे आपके डॉट्स वहां पे गाइस क्लियर कर दिए जाएंगे। फिर मैंने आपको सब कुछ बता दिया इस कोर्स के बारे में, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप इस वीडियो के कमेंट में जाके अपना डाउट पूछ सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के लास्ट में राणा एजुकेशन का फोन नंबर एंड ईमेल आईडी भी दी हुई है, वहां भी जाके आप गाइस अपना जो क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आई होप दैट आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे। सो सी यू ऑल इन द क्लास एंड टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।